हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। अगर आप इस पूरी प्लेलिस्ट को लाइन से देख रहे हैं तो आपको पता होगा सबसे पहले हमने आपको पढ़ाया था परमाणु, फिर इलेक्ट्रॉन, फिर मॉडल्स पढ़ाए थे और लगभग सब कुछ हमने कवर कर दिया था। अगला जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं आज, हम लोग कुछ अच्छी बातों पर बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक के बाद ये द्रव्यमान संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या क्या होती है, द्रव्यमान संख्या के बाद हम लोग बात करेंगे ये समस्थानिक क्या होता है, बहुत डिटेल में समझेंगे। समस्थानिक के बाद ये संभारिक क्या होता है और संभारिक के बाद ये समन्यूट्रॉनिक क्या होता है। आज के बाद आपको कोई वीडियो इन टॉपिक से रिलेटेड देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत डिटेल में आपको घुस घुस के समझाएंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलने वाली है। फुल फॉर्म में आ गए हैं, वापस आ गए। जरा देखिए, सबसे पहले कोई अगर कह दे परमाणु क्रमांक क्या होता है, ले भैया बस हो गया, सर जी ये क्या लिखा हुआ है, बोले जी हाइड्रोजन लिखा है, बोले हाइड्रोजन का नंबर कितना होता है, एक, क्यों नंबर एक ही क्यों होता है। ओ माय गॉड, हमने आपको पिछले क्लासों में पढ़ाया कि तीन आदमी होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो आज इसे डायलॉग सुन लीजिए, जितना जिसका नंबर होगा उतने होंगे प्रोटॉन। जरा सुनिए, आगे सवाल लगाएंगे तो काम में आएगा। जितना जिसका नंबर होगा उतने होंगे प्रोटॉन और उतने ही होंगे इलेक्ट्रॉन। यानी अगर पूछेगा कि मान लिया हाइड्रोजन का नंबर एक है, प्रोटॉनों की संख्या बताओ, याद हो गया, आप कहोगे प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। आहा, जरा देखिए, मजे ले लेके पढ़िए, परमाणु की आप क्या कह सकते हो बताओ, किसी तत्व में, मेरे साथ में बोलिए, किसी तत्व में, बोलो बोलो, किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। यानी कोई आगे से पूछे परमाणु क्रमांक क्या होता है, कहना प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो मेरे साथ में बोलिए, बोलो, किसी तत्व में, किसी किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। ठीक है भाई, याद हो गया। दूसरा टॉपिक है द्रव्यमान संख्या, बहुत ही आसान है। पहले संघ खाली कौन चल रहा था, प्रोटॉनों की संख्या, संघ में जोड़ के लिख दो न्यूट्रॉनों की संख्या। आ हो गया द्रव्यमान संख्या, बोलो भैया प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। कितना आसान है, अभी आपको समझाएंगे, बड़ा मजा आएगा। यहां पे लिखा हुआ समस्थानिक, सब लोग ध्यान से देखें, समस्थानिक क्या होते हैं, तो भैया नाम से बदला समस्थानिक, दो या दो से, सॉरी, समस्थानिक मतलब जिनके स्थान सेम होते हैं। जैसे हम यहां पे लिख देते हैं BNH1 और BNH2। अब यहां पे थोड़ा हम डिटेल में समझाते हैं, इसे जूम करते हैं, यहां लाते हैं। जरा देखिए, ये लिखा मान लिया BNH1, सब लोग ध्यान से समझें, जो नीचे लिखा होता है ये हमेशा परमाणु क्रमांक होता है। सब लोग समझें, जो नीचे लिखा होता है ये क्या होता है, परमाणु क्रमांक, जो ऊपर लिखा होता है ये द्रव्यमान संख्या होती है। क्या होती है, द्रव्यमान संख्या होती है। तो भैया समस्थानिक, स्थान किसके सेम होंगे यार, स्थान उसी के सेम होंगे जिसका नंबर सेम होगा। अब यहां देखो, हम लिख दें BNH1, लिख दें BNH2, लिख दें BNH3। देखो इसका नंबर कितना, एक, इसका भी नंबर कितना, एक, इसका भी नंबर कितना, एक, तीनों का नंबर सेम है तो ये तीनों के तीनों कहलाएंगे समस्थानिक। किसके समस्थानिक, आप कहोगे हाइड्रोजन के समस्थानिक। किसके समस्थानिक है, हाइड्रोजन के समस्थानिक। कोई कहे इसका नाम बताओ, इसका नाम है प्रोटियम, इसका नाम है ड्यूटीरियम और इसका नाम है ट्राइटियम। क्या नाम है, ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्राइटियम। ठीक है, डिटेल में आपको समझा रहे हैं। तो आगे से कोई पूछे निम्न में समस्थानिक बताइए, कुछ नहीं करना है, केवल नीचे वाला देख लेना है, जो नीचे वाला सेम होगा वही आपस में समस्थानिक होंगे। पहला टॉपिक क्लियर हुआ। फिर बात करते हैं संभारिक की, बहुत ही आसान है मेरे भाई। संभारिक मतलब जिनका भार समान हो, ये जो हमने ऊपर लिखा उसे क्या कहते हैं, अभी आपको बताया द्रव्यमान संख्या, या इसी को परमाणु भार भी कहते हैं, क्योंकि द्रव्यमान संख्या और परमाणु भार लगभग बराबर होते हैं। तो जिनका, बहुत ध्यान से सुनिए, जिनके नीचे वाले सेम है वो समस्थानिक है और जिनके ऊपर वाले सेम होंगे वो संभारिक। देखो इनका एक है, इनका दो है, इनका तीन, तीनों अलग अलग हैं ये, इसका मतलब ये सेम नहीं, मतलब ये समस्थानिक तो है, नीचे वाले तो सेम है लेकिन संभारिक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले अलग अलग है। ठीक, तो अब क्या करेंगे आप, हम आपको बताते हैं आप क्या करें। संभारिक के लिए हम दो तीन एग्जाम्पल लिखते हैं, हमने लिखा BNH3, यहां पर लिखते हैं, देखिए संभारिक का एग्जाम्पल यह है BNH3 और हमने लिख दिया BNH2। सब लोग बहुत ही ध्यान से देखें, BNH3 और BNH2। अब देखिए नीचे वाला सेम नहीं है लेकिन ऊपर वाला दोनों सेम है, यानी ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हीलियम दोनों आपस में कहलाएंगे
समभारी। तो कोई कहे निम्न में समभारिक बताइए, जैसे हम आपको यहां पे क्वेश्चन दिखा देते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ है यूपी बीएड 2014 में, निम्न में किसमें बराबर, अच्छा ये न्यूट्रॉनिक पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा भी आपको बताते हैं, जरा समझिए। तीसरे में कह रहा सम न्यूट्रॉनिक, बहुत ही आसान है, मेरी बात सुनो। समस्थानिक कौन, जिसमें नीचे वाले सेम वो समस्थानिक, जिसमें ऊपर वाले सेम वो समभारिक। और सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, नाम से ही पता चला सम न्यूट्रॉनिक, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होगी, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होगी वो कहलाएगा सम न्यूट्रॉनिक। क्या कहलाएगा, सम न्यूट्रॉनिक, जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होगी वो कहलाएगा सम न्यूट्रॉनिक। और न्यूट्रॉन निकालेंगे कैसे सर जी, बहुत आसान है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दीजिए। कोई कहे बन एच थ्री में न्यूट्रॉन बताओ, तीन में से एक गया कितना बचा, दो, ये देखो। तो जब ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाएंगे तो वो कहलाएंगे न्यूट्रॉन। सब लोग देखें तो सम न्यूट्रॉनिक कौन होएगा, हमने लिखा 1H3 और लिख दिया 2He4, बताओ तीन में से एक जाएगा कितना बचेगा, दो, बताओ चार में से दो जाएंगे कितने बचेंगे, दो। ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाओगे न्यूट्रॉन निकल आएंगे, जब दोनों के दो दो न्यूट्रॉन आ गए मतलब ये कहलाएंगे सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिला के सबसे पहले आपको बताया परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या को ही हम लोग कहते हैं परमाणु क्रमांक, फिर प्रोटॉन में अगर आप न्यूट्रॉन जोड़ देंगे तो कहलाएगी द्रव्यमान संख्या, फिर समस्थानिक जिनके स्थान यानी परमाणु क्रमांक मतलब नीचे वाले सेम होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं, फिर संभारिक यानी जिनके ऊपर वाले सेम होते हैं मतलब भार सेम होते हैं द्रव्यमान संख्याएं सेम होती हैं संभारिक कहलाते हैं, और जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होती है वो सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। उम्मीद करते हैं पूरा टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो जिस नाम से चैनल है उसी नाम से प्ले स्टोर पर हमारी एप्लीकेशन भी अवेलेबल है। ठीक है, जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां पर बहुत सारी PDF और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्लास आपको मिलते रहते हैं। हम आपसे मिलते हैं एक और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।